हरदीपुरी साहब, आदरणीय दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश जी, यहाँ पर मौजूद और सभी डिग्निटरीज, भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज ये बाहरी दिल्ली के लिए, खासकर नजफगढ़ क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद खुशी का पल है। अभी तक दिल्ली मेट्रो का ये जो रूट था, ये दिल्ली गेट तक जाके ख़त्म हो जाती थी। आसपास के लगभग 50 ऐसे गांव हैं जहां से रोज लोग दिल्ली काम करने के लिए आते हैं। उन लोगों को नजफगढ़ में जो फिरनी चौक है, फिरनी रोड है, वो क्रॉस करके दिल्ली गेट आना पड़ता था। उसकी वजह से वहाँ इतना बुरा ट्रैफिक जैम लगता था फिरनी चौक के ऊपर। अब ये धांसा बस स्टैंड बन जाने की वजह से लोगों को ये चौक क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो जो डेली का बस, हालांकि रूट 1.25 किलोमीटर का ही है, लेकिन ये इतना बड़ा सिग्निफिकेंस है इसका कि लोगों को वो चौक क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लोग रोज़ जो दिल्ली आते हैं वो धांसा बस स्टैंड से ही मेट्रो ले सकते हैं और दिल्ली आ सकते हैं। तो लगभग 50 के करीब गांव के लोग ऐसे हैं जिन लोगों को इसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा बॉर्डर के ऊपर झज्जर डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा का, वहाँ से भी डेली बहुत सारे लोग दिल्ली नौकरी करने के लिए आते हैं, उन लोगों को भी इससे बेहद मदद मिलेगी। मुझे याद है 2015 फरवरी में दिल्ली के जब चुनाव हुए थे, उन चुनावों के प्रचार के लिए जब मैं इस इलाके में जाया करता था तो लोगों की डिमांड थी कि जी ये 1 किलोमीटर का सेक्शन है, 1 स्टेशन और यहाँ बनना चाहिए। हमने उनको प्रॉमिस किया था और सरकार बनने के कुछ महीनों के अंदर ही हमने ये वाला जो स्ट्रेच है और ये धांसा बस स्टैंड है, ये दिल्ली सरकार ने अप्रूव किया था। केंद्र सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया, हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। और आज इस मौके के ऊपर मैं दिल्ली मेट्रो के सभी कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को, इंजीनियर्स को, मंगू साहब की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। खासकर केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पूरी दिल्ली मेट्रो, केवल यही स्ट्रेच नहीं, पूरी दिल्ली मेट्रो की जो जर्नी है, इस पूरी यात्रा के अंदर जिस तरह से दिल्ली के लोगों का केंद्र सरकार ने सहयोग किया है, उसके लिए मैं केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नजफगढ़ के लोगों को और पूरे दिल्ली की जनता को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने संबोधन के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय केंद्रीय मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय श्री हरदीप सिंह पुरी जी से कि वो इस शुभ अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री